हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यार सब ठीक होंगे। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज मैं आपको अपने सभी जानवर का शौक करवाने वाला हूँ जितने मेरे पास इस वक्त घर पे हैं, ठीक है। उनमें मुर्गियाँ आएंगी, ठीक है, उनमें कबूतर आएंगे, उनमें डॉग्स आएंगे, सब कुछ, ठीक है ना। जो जो है मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ आज। वीडियो को एंड तक देखने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले मैं आपको अपनी कुछ मुर्गियों का शौक करवाता हूँ। सबसे पहले लें जी, सबसे पहले ये मुर्गी का शौक करें जी। माशाल्लाह ये मेरी होम ब्रीड है। मुर्गी चेक करें, इसकी आँखें चेक करें और फेस का शौक करें। ओल्ड ब्लड लाइन में से प्योर मियाँ वाली जो है ना, ओल्ड ब्लड लाइन उनमें से छोटी सी गर्दन है, ठीक है। और कमर की लंबाई देखें इसकी, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है और बहुत प्यारी क्रीज कर रही है। ये अब नए पर निकाल रही है। पल्लों का शौक करें इसका, माशाल्लाह फुल घेरेदार पल्ले हैं, बड़े पल्ले हैं। और इसके बंद जोड़ हैं यार, सच्ची से ऐसे मुर्गों के जोड़ नहीं होते जैसे ये मेरी मुर्गी के जोड़ है। इसकी नलियों का शौक करें, फुल डेंजरस नली है ये, फुल। मैं आपको अभी इसका नीचे छोड़ के शौक करवा, दूसरी मुर्गी का शौक करें जी। माशाल्लाह इसके फेस का शौक करें, फुल खिली था जी मुर्गी। फेस देखे कितना खूबसूरत है, आंखें चेक करें, फुल डोरेदार आंखें हैं माशाल्लाह। और बहुत मजबूत मुर्गी है। इसके पल्लों का शौक करें, बहुत बड़े, इसकी कमर की लंबाई इसकी देखें, माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, ठीक है। और पीछे से देखें, पान पत्ता शेप बन रही है पूरी, ये देखें, ये अच्छी मुर्गियों की क्वालिटी होती है ये। हमारी तीसरी मुर्गी देखें जी, माशाल्लाह अभी ये क्रीज में है, बहुत खूबसूरत है। अभी इसकी जो आँख का कलर है वो थोड़ा सा खट्टा रंग है, मतलब ऑरेंज कलर है इसका अभी, ठीक है। तो बहुत मजबूत मुर्गी है ये मेरी होम ब्रीड है, बहुत अच्छी मुर्गी है। अभी ये फुल रेडी है, इंशाल्लाह हम इसको अपने जो सारदारी है हमारा मेल है उसके साथ हम इसका जोड़ लगाएंगे, ठीक है। आप ये इसके पल्लों का शौक करें, देखें माशाल्लाह कितने बड़े पल्ले हैं। और इसकी नलियों का शौक करें जी, बहुत खूबसूरत और मियारी नलियाँ हैं जी इनकी। इसके जो पीछे ब्लड है, इसकी माँ बहुत अच्छे ख़ानदान में से है, ठीक है, बहुत अच्छे लड़े बिड़े मुर्गों में से है। ये जस्ट मैं इनका शौक करवा रहा हूँ, ये फोर सेल नहीं है, ठीक है, ये मेरे घर का शौक है। ये जी सबसे पहले ये देखें हमारे परी का है, चूज़ा है या चूजी है पता नहीं क्या है। इसकी आंखों का शौक करें सबसे पहले। इसका पल्ला देखें अभी से कितना बड़ा है, माशाल्लाह बहुत बड़ा पल्ला है। अब ये अल्लाह करे चूज़ा हो, मुझे ज़्यादा चूज़ा का शौक है। मुर्गियों का भी ज़्यादा है बट मुझे अभी फ़िलहाल चूज़ों का शौक है। ये देखें नलियों का शौक करें, फुल सफ़ेद नली है, बहुत खूबसूरत। और गन जोड़ इतने मजबूत है, इतने मजबूत है क्या बताऊँ यार, बहुत मजबूत गन जोड़ है इसके। अब ये पता नहीं चूजी है या चूज़ा है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है ये चूजी है कि चूज़ा है। देखिए जी एक ये चूज़ा है, ये कंफर्म चूज़ा है, ये तो शक्ल से बताता ना चूज़ा है। ये ना कुछ दिन पहले वायरस में आ गया था और इसकी जो ये गंडी होती है ना, मतलब लाइक इसका जो गला होता है, सांस वाली नाली होती है, ज़ुबान होती है, वो पीछे चले गई थी, ठीक है। फिर मैंने और जहीर साहब ने इसे ठीक किया, इसकी जो सांस वाली नाली थी वो ठीक की, ज़ुबान ठीक की। इसके फेस का शौक करें सबसे पहले। ये देखिए जी तीसरा चूज़ा के चूज़ी है, ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं चूज़ी है कि चूज़ा है। इसकी आंखों का शौक करें माशाल्लाह सबसे पहले। और इसकी कमर का शौक करें, बहुत खूबसूरत, बहुत म्यारी है यार, ये बहुत ही खूबसूरत है। नलियाँ चेक करें इसकी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत चीज़ है, अल्लाह पाक ने बुरी नज़र से बचाया। बाद में आपको अपने कबूतरों का शौक करवाता हूँ जो हमने गुजरा वाले भेजे हुए थे, उनमें से मैं चंद कबूतर इधर लेके आया हूँ।
ठीक है, उनका मैं आपको शो करवाता हूँ और वो आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह कुछ मैं लेके आया हूँ अभी, बाकी सभी उधर हैं, इधर ही एक ही चीज़ है, उधर है इधर है, बाकी दोनों अपने ही कर रहे हैं, सही है। तो उनमें से मैं कुछ जानवर लेके आया हूँ, कुछ पिजन लेके आया हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और एक और है, वो हमने पकड़ी थी, वो ऐसे ही आई थी, मतलब उड़ रही थी तो प्यासी बहुत ज़्यादा थी, तो इधर आकर बैठी हुई थी। रात का टाइम था, कोई 11-12 बजे का टाइम था, हम इधर सो रहे थे, तो इधर आकर बैठी है, तो मैं तब जाग रहा था, तो 5 मिनट गुजरे हैं, मैंने इसे ईजी होने दिया पहले, तो ना जब ये ईजी हो गई, इसने देख लिया कोई ख़तरा नहीं है, तो भाई फिर मैंने पकड़ी। मैं अब आपको वो मैं कबूतर दिखाता हूँ, ये देखिए जी, माशाल्लाह ये मैं लकी कबूतर का एक पेयर लेके आया हूँ, एक नकाबपोश का लेके आया हूँ, और एक ये मादा है या नर है ये इसका नहीं मुझे पता, ठीक है, मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ, शो करवाता हूँ इस चीज़ का, ठीक है, ये मादा है या नर है, ठीक है, जो भी हो आपने मुझे बताना है, ठीक है। उसके बाद भाई साहब ये फ्रिल बैग का मैं एक पेयर लेके आया हूँ, ठीक है, और वह छोटे चूचू वाले का मैं एक पेयर लेके आया हूँ, ठीक है ना। और ये एक है जी हमारी फीमेल डॉग, फीमेल पपी, और एक है जी हमारा अडल्ट डॉग, ठीक है, जर्मन शेफर्ड, आपने वो काफ़ी बार देख चुका है, जिसका नाम हमने सिम्बा रखा हुआ है। और उसके बाद मैं आपको अब आपको मैं जिंजर दिखाने वाला हूँ, ठीक है, जो लास्ट मंथ आपने देखी थी वीडियो मेरी, तब वो छोटी थी, अब माशाल्लाह वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, मैं आपको उसको दिखाता हूँ, माशाल्लाह अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। उससे पहले मैं आपको वो कबूतर दिखाता हूँ जो मैंने रात 12-1 बजे पकड़ा था, पता नहीं ये क्या है क्या नहीं है, कबूतरी है या कबूतर है, इसकी आंख का शौक करेंगे सबसे पहले, फुल सफ़ेद आंख है जी इसकी। इसके बारे में, कबूतरों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि क्या क्या होता है, क्या मतलब इनका सीन होता है, कैसी आंखें अच्छी होती कैसी नहीं। अच्छा, रंग लगे हुए हैं ऐसे, इसका मतलब यही है कि अच्छी होगी, किसी ने उड़ाने के लिए रखी होगी, ठीक है, बाजरा छाजरा पानी पुनी पिया हुआ है, फुल ओके है, रज्जी खड़ी है, ठीक है। अभी इसके साथ हम एक मेल लेंगे, इसका मेल लेंगे, ये सामने वाले घर एक भाई साहब रहते हैं, मैंने उनको दिखाई थी, वो कहते हैं अच्छी है, ठीक है, उनके पास एक मेल पड़ा है, ठीक है, जो हमने मेल उसे बाय करना है ना, उसके साथ दो बच्चे भी हैं, वो कहता आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है, और जो मेल है वो उसके बहुत कम पैसे मांग रहा है, सही है, वो कहता भाई आपसे क्या पैसे लेना, आप थोड़े से पैसे दे देना जितने आपका दिल करे, ठीक है, फिर उस हिसाब से मैं एक मेल के पैसे दूंगा और दो बच्चे वो मुझे गिफ्ट करेगा साथ। अभी वो दाना वगैरह खाते हैं, ठीक है, अभी छोटे हैं, मैंने इसलिए इस वजह से 3-4 दिन पहले उसे कहा था भाई अभी बड़े होने दो, ठीक है, तो जैसे वो बड़े होंगे तो मैं बच्चे भी ले लूँगा और जो मेल है वो भी ले लूँगा, पर यार मेरे से सब्र नहीं ना हो रहा, सब्र का कीड़े ही नहीं अंदर, मेरा दिल करता है मैं अभी जाके उसे ले लूँ, बट दिल भी नहीं करता ना। सो अभी क्या करते हैं, एक मेरा दिल करता है यार अभी मंगवा लें, ओके डन, चलो फिर ऐसा करो आप, यार मुझे एक चीज़ का डर है अहमद, उसके साथ जो बच्चे हैं वो ये दूसरे कबूतर उन्हें मारे ना, फिर रहने दे, रहने दे, अरे यार रहने दे, इंशाल्लाह अगली वीडियो में ना यार उसका प्रॉपर मैं सेटअप करूँगा, उसके लिए मैं केज लूँगा ना, केज नहीं नीचे रखेंगे यार उनको, जो हमारे 6 बॉक्सेस वाला केज है ना उसमें हम रखेंगे उसे, ठीक है। अगली वीडियो देखनी है आपने मेरी, उससे पहले अगली वीडियो ना इसी टॉपिक पे होगी इंशाल्लाह, उससे मैं कबूतर लूँगा और मैं आपको वो शो करवाऊँगा, माशाल्लाह बहुत प्यारा है कबूतर, और उसके साथ दो उसके बच्चे हैं वो भी माशाल्लाह कहता है काफ़ी अच्छे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं शायद, अब थोड़ा थोड़ा शायद कहता एक हफ्ते के अंदर अंदर शायद वो उड़ने भी लग जाएँ, एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर वो उड़ने भी लग जाएँ, सही है। तो भाई इसके बाद मैं आपको जिंजर दिखाता हूँ, जिंजर माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो चुकी है, ये देखिए जी जिंजर हमारी कितनी बड़ी हो चुकी है, ये देखे नाजरीन, ये अहमद देखे जिंजर के साथ खेल रहा है, और देखे कितने माशाल्लाह कितने प्यारे अंदाज में बैठी हुई है, वो कितने प्यारे स्टाइल से बैठी हुई थी ना अहमद,
ये देखे जी अहमद इसको लेके कैसे बैठा हुआ है। वाह वाह यार अहमद मजा आ गया सच्ची से। बस इसको लेके ना गली में तमाशे करवाया करो, जैसे बंदर बंदर का करवाते ना वैसे इसका करवाया करो।